नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह की 90 सीटों पर तीन चरण में चुनाव हुए, कहा तो जानकार 90 सीटों का गुणा गणित और समीकरण समझा रहे थे, मगर पिछले दो दिनों के दौरान मालूम नहीं क्या हुआ और 90 के बजाय बात होने लगी उन पांच मनोनीत विधायकों की, जो उपराज्यपाल के रहमो करम से बिना चुनाव लड़े सीधे विधानसभा पहुंच जाएंगे। बीजेपी के सरकार के एलजी अगर किसी को नॉमिनेट करेंगे तो वह वोट किसे करेगा ये वह भी बता देगा जिससे पूछा ना गया हो। कहने का अर्थ है कि ये सरकार बनाने की कवायद ही जब उपराज्यपाल के जरिए तय होने जा रही है तो सरकार के पास कितनी ताकत होगी खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था, मगर ये चुनाव एक राज्य में नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में कराया गया। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में जिसके एलजी को पहले ही बेहिसाब ताकत दे दी गई थी, ये आशंका जताई जाने लगी कि चुनाव जीते कोई भी सरकार चलाएंगे एलजी ही। ये केवल आशंका ही नहीं, इसमें कुछ दम भी है। राज्य सरकार या उसके किसी विभाग के पास अब तक होने वाली शक्तियां सीधे तौर पर उपराज्यपाल को दे दी गई है। जब पुलिस से लेकर सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले चुनाव के बाद भी उपराज्यपाल के पास होंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनी जाने वाली सरकार क्या करेगी। ये इसीलिए भी क्योंकि हम किसी भी राज्य में सरकार गठन के बाद देखते हैं कि धाकड़ नेता गृह विभाग अपने पास रखना चाहता है, मगर जम्मू कश्मीर में ये विकल्प होगा ही नहीं। केवल पुलिस जैसा अहम महकमा ही चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। यहाँ तक कि पब्लिक ऑर्डर जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है वह भी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। समवर्ती सूची में दिए गए मामले यानी वैसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है उस पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी। ये सारी शक्तियां एलजी या उसके जरिए केंद्र को दे दी गई है। अगर यहां तक सुनकर ही आपको ताज्जुब होता है तो थोड़ा और धीरज धरें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बनने वालों के अधिकार का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को देने होंगे और यह कम से कम दो दिन पहले जमा करा देना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए बनी प्रदेश की ताकतवर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग चुनी हुई सरकार के पास ना होकर उपराज्यपाल के पास होंगे। एलजी के राजनीतिक ताकत का अंदाजा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 55 से साफ हो जाता है। इसके मुताबिक उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी गई मंत्रिमंडल नहीं कर सकती। बात यहां तक होती तो भी कोई बात ना थी, पर एक और तो उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा विधानसभा नहीं कर सकती, लेकिन इसी के और आगे थोड़ा एक प्रावधान ऐसा भी जोड़ दिया गया जहां एलजी का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा। आपको बता दें कि आजाद भारत में शायद ही ऐसा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ हुआ होगा कि उसके कैबिनेट की बैठक में केंद्र का कोई प्रतिनिधि बैठे। अगर केंद्र का कोई प्रतिनिधि बैठता है तो इससे यह भी समझा जाना चाहिए कि प्रदेश की सरकार कोई नीति पर बात करने और उस पर अंतिम फैसला लेने को लेकर किस हद तक स्वतंत्र होगी। इस तरह इस कयास में बहुत हद तक दम है कि चुनाव के बाद अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में सरकार कोई भी बना ले मगर चलेगी तो एलजी की ही।